नमस्कार बच्चों, SV एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 6 का जो अध्याय 5 है साइंस में, उसकी जो अपने विधियां पृथक्करण की पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट वीडियो में अपने थ्रेसिंग विधि के बारे में पढ़ा। आज अपने निष्पावन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 3 से स्टार्ट करते अपने निष्पावन विधि। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के गुणों के अमाप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? तो अपने क्या इन जो मिश्रण है, लकड़ी का बुरादा, सूखी पत्तियों का पाउडर, इसे अपने पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए अपने एक विशेष विधि काम में ली जाती है। तो अब अपने क्या करेंगे, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा यानी सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या आपको अवयव, क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो इस डायग्राम में दिखा रखा है, जिस तरफ हवा होती है उस तरफ क्या भूसा उड़ के जाएगा, और अनाज है वो नीचे एक ढेरी के रूप में दिखाई देगा। और इस तरह से निष्पावन को द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। फिर आगे, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से निष्पावन विधि में हवा द्वारा अन्न के कण और भूसे को अलग किया जा सकता है। फिर आगे है नेक्स्ट विधि, चालन। चालन विधि में क्या करते हैं, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें से उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो इस तरह से इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको रेत से पृथक कर दिया जाता है।
फिर आगे क्रियाकलाप चार। कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो उनको पृथक करने में किया जाता है। तो ये चालन विधि थी। इसके बाद में अगली है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि। तो इसमें क्या किया जाता है? कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? तो प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो क्यों डूबते हैं? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो अवसादन किसे कहते हैं? जो भारी अवयव हैं जब वो तली में बैठ जाते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। बिना हिलाए जब इसे उड़ेला जाता है, मतलब उड़ाया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसे निस्तारण कहते हैं। यानी ये इस तरह से निथार कर ऊपर से जल को अलग कर लिया जाता है, उड़ेलना, और जो मिट्टी है वो नीचे रह जाती है। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं, यानी फिल्टर करना या छानना। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, यानी जो खराब जल होता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, यानी अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप पाँच अपने करके देखेंगे। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रकरण को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जाता है, यानी छानने के रूप में किया जाता है। फिर आगे है, अब यदि जल भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित करते हैं, मतलब छान सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है, यानी छानने वाला एक ऐसा छलनी है, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में ये दिखाया गया है। फिल्टर पत्र के प्रयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं, यानी इसे मोड़ कर इस कीप नुमा संरचना में बदल दिया जाता है। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों में से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो आज इस वीडियो में अपने यहाँ तक पढ़ेंगे। निष्पावन और निस्यंदन, इनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपने वाष्पन विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाया इसे अपने एक बार रिवाइज करना है। थैंक यू।